रवीश कुमार लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है देश में उसको बचाने के लिए बड़ी आवाज उठा रहे हैं। ऐसी माँ को मैं बहुत सौभाग्यवती माँ कहूँगा जिन्होंने NDTV के पत्रकार रवीश मांडे जी को जन्म दिया, जो लोकतंत्र को बचाने में हमेशा कार्यरत है। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। तो जैसे कि जामिया वर्ल्ड देखने साथ पब्लिक न्यूज नहीं मौजूद है, बिहार के पूर्वी चंपारण जितवादपुर के रवीश कुमार जी के गांव में तमाम जनप्रतिनिधि एक तरह से आए हुए हैं रवीश कुमार जी के मां के साथ एक तरह श्राद्ध कार्यक्रम में। ओवरऑल क्या कहेंगे आप वहां से? मैं सिकंदर चौधरी मुखिया पिपरा कोठी प्रखंड दक्षिण झग्घा पंचायत, मैं उनके माँ के चरण कदमों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ आया हूँ और भगवान से प्रार्थना करते हैं उनके आत्मा को शांति मिले। तो क्या कहेंगे ऐसे रवीश कुमार की माँ जो एक तरह से निधन हो गया है, और एक और ऐसे लाल को पैदा जो मैं एक तरह से लोकतंत्र को बचा रहा है और लोकतंत्र कुचला जा रहा है, मुखर आवाज बनकर बना हुआ, ऐसे माँ को क्या कहेंगे ऐसे लाल को? ऐसी माँ को मैं बहुत सौभाग्यवती माँ कहूँगा जिन्होंने NDTV के पत्रकार रवीश मांडे जी को जन्म दिया, जो लोकतंत्र को बचाने में हमेशा कार्यरत है, और इससे ज्यादा हम उनके लिए और क्या कर सकते हैं। जी, कहीं ना कहीं लोगों का आना हुआ इस कार्यक्रम में, कहीं ना कहीं लोगों की जज्बात उनसे जुड़ी हुई देख रहे हैं आप? जी, उनका कार्यकलाप बहुत ही सुंदर है और उनके कार्यों से प्रभावित होकर मैं उनके माँ के श्राद्ध कार्यक्रम में उनके माँ को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ शरीक हुए हैं, आए हुए हैं। जी, जिसमें तेजस्वी जी भी आए हुए हैं। कहीं ना कहीं बिहार वो एक ऐसा राज्य है जहाँ देश में कहीं किस तरह की गड़बड़ी होता है, तो बिहार एक ऐसा लोकतंत्र की सरजमी है, वैशाली से जो लोकतंत्र शुरू हुआ, कहीं ना कहीं इस वक्त लोकतंत्र को दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि बिहार के जो लाल रवीश कुमार है आवाज बुलंद कर रहे हैं? जी, एकदम 100% नहीं, 501% रवीश कुमार लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है देश में उसको बचाने के लिए बड़ी आवाज उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम जनप्रतिनिधि एक तरह से अपने जज्बात इमोशन शेयर कर रहे हैं और लगातार अलग अलग जगहों से जनप्रतिनिधि आए हुए हैं, अंदर रवीश कुमार और डिप्टी CM तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। बहरहाल लगातार आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि रवीश कुमार कितने एक तरह से जुड़े हुए हैं। बहरहाल जामिया वर्ल्ड के साथ पब्लिक न्यूज में CM बिहार के पूर्वी चंपारण जितवारपुर रवीश कुमार जी के गाँव से।